हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने ऑप्शन स्ट्रैटेजी बैक टेस्टिंग पे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बना दिए हैं। वो वीडियो में मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी कवर किए हैं, बट मैं उनमें से कोई भी प्लेटफॉर्म से फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं जो ऑप्शन स्ट्रैटेजीज बनाता हूँ वो कोई एक प्लेटफॉर्म पर टेस्ट हो ही नहीं सकती थी, इसीलिए मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा था जो मेरी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल कर सके। जैसे कि मुझे टाइम बेस्ड टेस्टिंग चाहिए, परफॉर्मेंस एनालिसिस चाहिए, PNL लाइव ड्यूरिंग द ट्रेड, मेरा क्या PNL चल रहा है वो मुझे जानना है। देन कस्टमाइजेशन, अगर मेरी कोई स्ट्रैटेजी है तो मैं उसे कस्टमाइज़ कर सकूँ, ऑप्टिमाइज़ कर सकूँ। इक्विटी कर्व, जैसे कि मैंने अगर 2 साल पहले अगर वो स्ट्रैटेजी अप्लाई किया था तो अगर मैं कंसिस्टेंटली 2 साल से उसे अप्लाई कर रहा हूँ तो लेट्स से अगर मैंने 1 लाख कैपिटल से चालू किया था तो अब मेरा कैपिटल कितना हो गया है, तो दैट इज़ इक्विटी कर्व। तो ऐसा मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला था अब तक कि ये सभी रिक्वायरमेंट्स एक ही प्लेटफॉर्म पे फुलफ़िल हो सके। बट नाउ हमारे पास ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे ये सभी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल हो सकती है। अगर आप ऑप्शन स्ट्रैटेजीज बनाते हो और उसे बैक टेस्ट करना चाहते हो तो आई कैन अश्योर यू दिस प्लेटफॉर्म इज़ दी बेस्ट प्लेटफॉर्म टू बैक टेस्ट योर ऑप्शन स्ट्रैटेजीज फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। सो अब आप पूछोगे ये प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो प्लेटफॉर्म इज स्टॉकमॉक। मैं ये प्लेटफॉर्म बहुत दिनों से यूज़ कर रहा हूँ एंड मेरे ऑलमोस्ट सभी स्ट्रैटेजीज मैंने यहाँ पे बैक टेस्ट की हुई है। सबसे पहले जब आप साइन अप करोगे ये वेबसाइट पे तो आपको फ्री 20 क्रेडिट्स मिलेंगे, विच वुड बी फ्री क्रेडिट्स, ठीक है। उससे आप 1 मंथ का बैक टेस्टिंग कर सकते हो। अगर आपको प्रीवियस 3-4 ईयर्स का बैक टेस्टिंग करना है तो आपको पेड यूनिट परचेस करनी पड़ेंगी। सो लेट्स बैक टेस्ट 1 स्ट्रैटेजी, और इसी के साथ मैं ये वेबसाइट के आपको फीचर्स बताते जाता हूँ। तो फर्स्ट हम सिंपल स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करेंगे, शॉर्ट स्ट्रैडल। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रैडल सिलेक्ट कर लिया। तो वहाँ पे मैं 2 टाइप से एंटर हो सकता हूँ, एंट्री बाय ATM या एंट्री बाय क्लोजेस्ट प्रीमियम। जो प्रीमियम अगर यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे वो प्रीमियम के जो भी क्लोजेस्ट रहेगा वो स्ट्राइक प्राइस वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। तो हम अभी एंटर बाय ATM एट द मनी कॉल और पुट सेल करेंगे। देन इधर आते हैं स्क्वायर ऑफ 1 लेग, स्क्वायर ऑफ ऑल लेग्स। तो ये एग्जिट कंडीशन के लिए है। तो एज ऑफ नाउ लेट्स से स्क्वायर ऑफ 1 लेग, हम क्या करते हैं, हमने शॉर्ट स्ट्रैडल एंटर किया और हम कहते हैं अगर 40% एक स्ट्रैडल मतलब एक कॉल या पुट बढ़ गया तो वो कॉल या पुट का लेग एग्जिट हो जाए। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस इन टर्म्स ऑफ पॉइंट या परसेंटेज दोनों लगा सकते हो। लेट से अभी हमने परसेंटेज में लगाया है 40%, ठीक है। तो हमने स्टॉप लॉस लगा दिया। यहाँ पे मैंने स्क्वायर ऑफ 1 लेग किया है, आप स्क्वायर ऑफ ऑल लेग्स। अगर आप स्क्वायर ऑफ ऑल लेग्स करोगे तो जैसे ही कोई भी एक लेग का स्टॉप लॉस हिट हुआ तो पूरे का पूरा स्ट्रैटेजी एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ मैंने किया है स्क्वायर ऑफ 1 लेग। अभी इसमें एक एडिशनल फीचर है जो मुझे बहुत फैंटास्टिक लगा, वेट एंड ट्रेड। लेट से अगर हम बात करते हैं, हम 9:20 को शॉर्ट स्ट्रैडल एंटर करेंगे, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट 5 मिनट बहुत ही ज़्यादा वोलेटिलिटी रहता है, तो आफ्टर 5 मिनट्स हम एंटर करेंगे। तो एट दैट टाइम देर आर चांसेस दैट प्रीमियम हीटेड हो। तो हम क्या करेंगे, एज हमने सेल किया है तो लेट से अगर 100 रुपीज़ चल रहा है तो लेट से 1% ऊपर तो 101 में वो लिमिट ऑर्डर पे सेल करेगा। तो लेट से हम 2% ऊपर में ऊपर तक वेट करेंगे एंड देन ट्रेड करेंगे। एंड ये रिस्क मेजर है, अगर कोई एक लेग का स्टॉप लॉस हिट हो गया तो दूसरे लेग का स्टॉप लॉस एट कॉस्ट लगा देंगे, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी यही रखते हैं, 9:20 को एंटर करेंगे एंड 2:29 को एग्जिट हो जाएंगे, नो टारगेट प्रॉफिट नो स्टॉप लॉस। तो ये हमारा सिंपल स्ट्रैटेजी बन गया। ये स्ट्रैटेजी मैं अप्लाई नहीं करता हूँ और मैं ये कोई रिकमेंडेशन भी नहीं दे रहा हूँ। इसका जो रिज़ल्ट आएगा मुझे नहीं पता, प्रॉफिट आने वाला है या लॉस आने वाला है, बट मेक श्योर अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो तो थरली बैक टेस्ट करें और रियल मार्केट में फ्रंट टेस्ट करें विथ
वर्चुअल मनी, डोंट इन्वेस्ट योर रियल मनी विथ इट। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास 2017 से 2021 तक का डेटा अवेलेबल है, तो हम ऑलमोस्ट 4 साल का बैक टेस्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पे मेरा 4 credits यूज़ होगा, ये वाले पेड क्रेडिट्स हैं। अगर आप सिर्फ साइन अप करते हो तो आपको फ्री क्रेडिट्स मिलेंगे और उसमें सिर्फ 1 month ही बैक टेस्ट हो पाएगा, बट अगर आपको ऐसा 4 साल का बैक टेस्टिंग करना है तो आपको पेड क्रेडिट्स परचेज करने पड़ेंगे। उसके लिए ऑफर है, वो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। तो स्टार्ट बैक टेस्ट वेबसाइट और इनका जो एल्गोरिदम है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। तो हमारा बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स आ गया, तो हमने क्या देखा कि अगर हम 4 साल से अगर ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करते तो 2,11,000 ये हमारा प्रॉफिट होता। बट यहाँ पे मैं प्रॉफिट पे फोकस नहीं करूँगा, मैं फोकस करता हूँ रिस्क मेजर्स, दैट इज़ मैक्सिमम ड्रॉडाउन क्या था। तो 10 डेज वॉज मैक्सिमम ड्रॉडाउन और 40,000 rupees का मेरा MDD था। एक्सपेक्टेंसी रेशियो इज 0.1। अभी ये एक्सपेक्टेंसी रेशियो बहुत ही ज़्यादा कम है, जनरली 0.3, 0.35 या उसके ऊपर का एक्सपेक्टेंसी इज गुड। देन रिटर्न टू MDD रेशियो इज ऑल्सो वेरी लो। तो अगर मैं रियल लाइफ में अगर मुझे ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करना होगा तो मैं ये नहीं करूँगा क्योंकि इसका एक्सपेक्टेंसी बहुत लो है। तो ये तो हुआ ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, बट यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स है। लेट से मैं ये स्ट्रैटेजी सिर्फ एक्सपायरी के दिन ही यूज़ करता हूँ तो इन दैट केस मेरा एक्सपेक्टेंसी एक्सपोनेंशियली बढ़ गया। तो अगर ये स्ट्रैटेजी मैं सिर्फ थर्सडे दैट इज़ ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी यूज़ करूँ तो यहाँ तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया, आपका मैक्सिमम ड्रॉडाउन सिर्फ 9,900 हो गया। अगर मैं RR का बात करूँ 1800 का एवरेज प्रॉफिट है और 1,000 rupees का एवरेज लॉस है, तो इट इज़ ऑलमोस्ट 1:1.8 विच इज़ बेटर, 53% एक्यूरेसी एंड RR 1:1.8 विच इज़ गुड। अगर मुझे ये एक्चुअली स्ट्रैटेजी अप्लाई करना होगा तो मैं सिर्फ थर्सडे को ये अप्लाई करूँगा। सो लेट्स एनालाइज वन ट्रेड तो आपको और डिटेल्स पता चले कि ये बैक टेस्टिंग में हमें क्या क्या मिलता है। तो 17 जून 2021 का अगर मैं PNL देखूँ तो ये है PNL लाइन विथ रिस्पेक्ट टू वो दिन का जो स्पॉट प्राइस रहेगा क्या हुआ। तो 9:20 को हमने ये एंटर किया था, तो एवरी 1 मिनट मेरा PNL क्या था एंड तक जब तक ये ट्रेड ख़त्म हुआ विथ रिस्पेक्ट टू स्पॉट प्राइस हमें पूरा का पूरा PNL दिख जाएगा। तो ये मुझे बहुत हेल्प करता है मेरे ट्रेड्स को एनालाइज करने में, मेरे स्टडीज़ को एनालाइज करने में। तो ये फीचर्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। स्टॉक मॉक पे और भी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड फीचर्स अवेलेबल है। वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स कि आप एंट्री एंड एग्जिट टाइम डिफाइन कर सकते हो, वेट एंड ट्रेड स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे मूव कर सकते हो। एडिशनली अगर आप सेट करते हो टारगेट, लेट से अगर यही सेम स्ट्रैटेजी में अगर मैं बात करूँ एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें तो मैंने सिर्फ थर्सडे का एंटर किया हुआ है और 1,09,000 का प्रॉफिट अभी दिखा रहा है, एवरेज डेली प्रॉफिट इज 470। लेट्स चेंज दिस, सभी कंडीशन सेम, हम टारगेट प्रॉफिट डाल देते हैं लेट्स 4,000 एंड स्टॉप लॉस 2,000। 1:2 का हम रिस्क रिवॉर्ड टारगेट करते हैं। अगर मैंने ये दोनों कंडीशंस डाल दी तो क्या होगा मेरे बैक टेस्टिंग रिजल्ट का, लेट्स चेक। तो हम सेम पूरे 4 years का डेटा बैक टेस्ट कर रहे हैं। इट टुक हार्डली 3 or 4 seconds और पूरे का पूरा डेटा बैक टेस्ट हो गया। हमें तो चाहिए सिर्फ थर्सडे का। आप सभी डेज का डेटा एनालाइज कर सकते हो एंड अगर आपको चाहिए तो आप ये पूरे का पूरा डेटा CSV या PDF फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो अगर मैं टारगेट प्रॉफिट दैट इज़ 4,000 एंड मैक्सिमम लॉस 2,000 को कर दूँ डिफाइन, तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा कम हो गया
मेरा मैक्सिमम ड्रॉडाउन बहुत बढ़ गया, तो मेरा एवरेज डेली प्रॉफिट कम हो गया, तो मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि मैक्सिमम प्रॉफिट एंड मैक्सिमम लॉस डिफाइन करना वॉज नॉट अ गुड डिसीजन। यहाँ पे हम मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस कर सकते हैं, तो वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप कैसे एनालिसिस करते हैं कोई भी एक स्ट्रैटेजी का। ये तो हुआ इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी का बैक टेस्टिंग। यहाँ पे इनके पास एक बहुत ही यूनिक फीचर है, बास्केट टेस्टिंग। अब ये क्या है, तो लेट्स क्रिएट वन बास्केट। तो KK3 करके मैंने एक बास्केट का नाम दिया है, तो वहाँ पे हम सिंपल स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे सेम। तो यहाँ पे हम सेम स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे बैंक निफ्टी का कॉल सेल पुट सेल, दैट इज ATM, ठीक है। ₹920 को एंटर करेंगे और लेट से ₹315 को एग्जिट कर देंगे, नो टारगेट प्रॉफिट नो टारगेट लॉस। तो ये मेरा हुआ फर्स्ट एंट्री, तो फर्स्ट एंट्री 920 ऐड कर देता हूँ। ये हुआ मेरा फर्स्ट स्ट्रैटेजी। नाउ लेट अस लुक एट सेकंड स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं मेरा एंट्री टाइम ये सेकेंड एंट्री के लिए 1120 का कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं 1120 और थर्ड एंट्री मेरा फाइनल एंट्री जो रहेगा वो 120 को कर देता हूँ, ठीक है। सो लेट्स चेक क्या होता है। पहले हम 920 वाला स्ट्रैटेजी रन करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ 920 वाला स्ट्रैटेजी देखूँ तो इसमें एक्सपेक्टेंसीज 0.26, MDDs रिटर्न टू MDDs 5 एंड मैक्सिमम ड्रॉडाउन इज 34,000, ठीक है, और एवरेज डेली प्रॉफिट 675, गुड इनफ। अगर ये मैंने सेम स्ट्रैटेजी बास्केट में रन की, मतलब फर्स्ट एंट्री 920, 1120 देन 120, तो क्या होगा। तो आप ये स्टैट्स याद रखना, 433 प्रॉफिट, लेट्स से एवरेज प्रॉफिट 675, मेरा एक्सपेक्टेंसी 0.26, रिटर्न टू MDD 5 और ये 34,000 माइनस, ठीक है। नाउ लेट्स रन ऑल स्ट्रैटेजीज, रन। सो अब जो रिजल्ट आए हैं वो तीनों स्ट्रैटेजी के कंबाइंड रिजल्ट आए हैं। अगर आप देखोगे एक्सपेक्टेंसी बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ गया, रिटर्न टू MDD रेशियो ऑलमोस्ट 16 हो गया और मैक्सिमम ड्रॉडाउन बहुत कम हो गया। अगर मैं मल्टीपल एंट्रीज लेता हूँ एक दिन में तो मैं मेरा बहुत सारा रिस्क कवर कर रहा हूँ, मेरा एवरेज डेली प्रॉफिट भी बढ़ गया। नो डाउट मैं अब 3 times कैपिटल यूज कर रहा हूँ, बट मैंने मेरा सिग्निफिकेंट रिस्क, ये जो रिस्क मेजर्स है वो मैंने कम कर दिए हैं। तो अब आप देख सकते हो ये था कंबाइंड रिजल्ट। अगर मैं इंडिविजुअल ये तीन स्ट्रैटेजी अप्लाई करता, दैट इज 920, 1120 और 120, तो इनके क्या रिजल्ट्स आते हैं वो आपको यहाँ पे इंडिविजुअली दिख जाएंगे। देन अगर मैं बात करूँ इनका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहता, तो ऑलमोस्ट सभी सिनेरियो में ये प्रॉफिटेबल है, सिर्फ ये ईयर 2021 में लॉस है और आप देख सकते हो लॉस इज माइनर। एवरेज प्रॉफिट अगर आप निकालोगे 31,000, 30,000, 48, 28, 30, 20, तो एटलीस्ट 20,000 तो प्रॉफिट आ रहा है महीने का, और 14,000 एंड 6,000 वॉज ड्रॉ डाउन, विच इज एक्सेप्टेबल। अब प्रॉफिट का बात करूँ, ये क्यूमुलेटिव प्रॉफिट है, तो ये रहा क्यूमुलेटिव प्रॉफिट। इक्विटी कर्व का बात करूँ तो वेरी गुड रिजल्ट ऑल, तो दीज रिजल्ट्स आर वेरी गुड। मैक्सिमम ड्रॉडाउन का बात करें तो दिस इज द मैक्सिमम ड्रॉडाउन। सो दीज आर द रिजल्ट्स
15 फेब को क्या हुआ, फर्स्ट स्ट्रैटेजी जो एंटर किया उसमें लॉस हुआ, बाकी दोनों में प्रॉफिट हुआ। देन 19 फेब का देखते हैं, तो फर्स्ट एंट्री लॉस, सेकेंड एंट्री लॉस, थर्ड एंट्री प्रॉफिट, सो ओवरऑल इट वॉज निगेटिव। तो ऐसे ही आप सभी डेज का एनालाइज कर सकते हो। इसमें आप देखोगे तो ओवरऑल जो लॉस है वो कम हो गया, बहुत रेयर केस में आपको पूरा लॉस हो जाएगा। तो आप ये बास्केट ऑफ स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर सकते हो। ये सबसे अच्छा फीचर है स्टॉक मॉक का, और जो लोग स्टॉक मॉक यूज़ कर रहे हैं उन्हें भी इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप स्टॉक मॉक सब्सक्राइब कर रहे हो तो ये फीचर ज़रूर यूज़ करना, इट इज़ फैंटास्टिक। मेरा पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया बैक टेस्टिंग करने का और स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करने का आफ्टर यूजिंग दिस पर्टिकुलर फीचर। तो अब ये फीचर मुझे सिर्फ बैक टेस्टिंग करने में काम नहीं आता, ये मुझे रिसर्च करने के लिए काम आता है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन डू मल्टी डायमेंशनल बैक टेस्टिंग ऑफ ऑप्शन स्ट्रैटेजीज। यस, दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म अवेलेबल फॉर बैक टेस्टिंग योर ऑप्शन स्ट्रैटेजीज। सो एज प्रॉमिस, मैंने बोला था वीडियो एंड पे आपके लिए कुछ सरप्राइज भी है। अगर आपको स्टॉक मॉक यूज़ करना है, जो पेड फीचर्स है, ये पेड क्रेडिट यूज़ करने हैं, अगर एक साल का बैक टेस्टिंग करना है तो आपका एक क्रेडिट यूज़ होता है। अगर आपको रियली बैक टेस्टिंग करना है तो आपको पेड क्रेडिट परचेज करने पड़ेंगे। अगर मैं चेक करूँ व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ पेड क्रेडिट्स, सो मैंने यहाँ पे बाय क्रेडिट्स क्लिक किया तो 50 क्रेडिट्स का 700 रुपीस, 150 क्रेडिट्स का 1500, 1400 क्रेडिट्स का 7000 रुपीस। सो दिस इज़ द कॉस्ट, बट ये आपके लिए नहीं है। अगर आप मेरे लिंक से स्टॉक मॉक सब्सक्राइब करते हो एंड मेरे दिए गए लिंक से ये परचेज करते हो तो आपको स्ट्रेट अवे इसमें मिनिमम 10-15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। दिस इज़ द रेट फॉर अदर पीपल। अगर आप मेरे लिंक से स्टॉक मॉक पे साइन अप करके उस पर क्रेडिट्स बाय करते हो तो आपके लिए ये रेट्स आ जाएंगे। दीज आर द स्पेशल रेट्स। मैंने स्टॉक मॉक की टीम से रिक्वेस्ट किया था कि हमारे व्यूअर्स को कुछ स्पेशल डिस्काउंट दिया जाए, तो उन्होंने वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया और ये स्पेशल ऑफ़र आपके लिए दिया गया है। सो इफ़ यू वांट टू अवेल दिस ऑफ़र यू कैन गो अहेड विथ इट। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो दिस इज़ हाउ यू कैन बैक टेस्ट योर ऑप्शन स्ट्रैटेजीज। मैंने यहाँ पे ट्राई किया कि मैं आपको मैक्सिमम फीचर्स बता सकूँ ये वेबसाइट के, बट ये जस्ट 60% फीचर्स थे, 40% फीचर्स अभी भी मैंने ये वीडियो में कवर नहीं किया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जाइए साइन अप कीजिए, और वो जो 40% फीचर्स मैंने नहीं दिखाए वो आप खुद से यूज़ कीजिए एंड इट विल ब्लो योर माइंड। आई रियली थैंक स्टॉक मॉक टीम कि इतना अच्छा वेबसाइट बनाया। सो गो चेक आउट द लिंक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।